हेलो दोस्तों, मैं अमलिंदर कौर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या आपका माइंड लाइफ फ्रेंडली है या फिर वो पास्ट की जो मेमोरीज है, पास्ट की जो बैड एक्सपीरियंसेस है, पास्ट की जो हर्ट्स है, या फ्यूचर की वरीज है, बहुत सारी वरीज है, उनको ड्रैग कर करके प्रेजेंट में लेकर आता है और आप हमेशा ही एंग्जाइटी में या वरी में रहते हैं। अगर ऐसा है तो आपको ऐसा अपने माइंड पे काम करना पड़ेगा कि वो लाइफ फ्रेंडली हो, वो प्रेजेंट फ्रेंडली हो, वो गोल ओरिएंटेड फ्रेंडली हो, ना कि वो पुरानी जादू को ड्रैग करके आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहा हो। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं और उनसे जो मैंने कंक्लूजन निकालती हूँ, ऐसा ही कंक्लूजन निकलता है कि वो लाइफ से नहीं सफर कर रहे, वो लोगों से नहीं सफर कर रहे, वो घटनाओं से नहीं उतना सफर कर रहे जितना वो अपने माइंड से सफर कर रहे हैं। उनके जो लाइफ में उतना बुरा नहीं घटता जितना उनके माइंड में घटता है, इमेजिनेशन में घटता है, डर में घटता है, एंड वो एंग्जाइटी की तरफ चले जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं। लोगों से उनका उतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जितना कॉन्फ्लिक्ट उनका अपने ही मन से है, और लोगों से वो उतना सफर नहीं कर रहे जितना वो अपने मन से सफर कर रहे हैं। तो इन सभी का क्या सलूशन है? जाहिर है, जो चीज़ हमें दुख दे रही है, जो चीज़ हमें सफर करा रही है, हमें उसी पे काम करना पड़ेगा, और वो है हमारा मन। और मन हमें सफर क्यों करवा रहा है? क्योंकि हमने उसको ऐसी ही ट्रेनिंग दी है, हमारे आसपास हमें ऐसी ही ट्रेनिंग मिलती है। अगर हमें अपनी लाइफ को डिफरेंट करना है तो सचमुच ही डिफरेंट सोचना ही होगा, सोचना ही पड़ेगा, और बहुत डिफिकल्ट है स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान है, मैंने कह दिया, आपने वीडियो देख लिया और लाइफ चेंज होगी। नो, मुझे भी बहुत साल लगे इन चीज़ों को समझने में, माइंड कैसे काम करता है, माइंड कैसे हमें जो है ड्रैग करता है, माइंड कैसे हमें डराता है, और हम कैसे डर जाते हैं, हम कैसे जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन धीरे 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 जब हम समझ के इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं तो लाइफ चेंज होनी शुरू होती है। जैसे मैंने एक और वीडियो में हीलिंग की बात की थी, जब तक हम माइंड में हैं और जब तक हमारा माइंड नेगेटिविटी में है, हम अपने आप को हील नहीं कर सकते। आप उन लोगों की कॉपी मत करो जो स्पिरिचुअल पाथ में है, क्योंकि वो माइंड में नहीं है, वो माइंड से बाहर है, वो अपने आप को हील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने माइंड में हैं 24 आवर्स, जब बहुत ज़्यादा समय, तो हम अपने आप को हील नहीं कर सकते। कोई भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम माइंड में नहीं है या माइंड में कम है। माइंड को आप एग्जाम्पल देते, एक नाइफ की तरह माने। अगर नाइफ, आपको पता है कि नाइफ को कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है, तो आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि नाइफ को कहाँ और कैसे यूज करना है, तो आप अपने हाथ और बॉडी को काट भी सकते हैं। सो फिर आपको नाइफ से बेनिफिट नहीं होगा, नुकसान होगा। इसी तरह माइंड, माइंड से आप बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं अगर आपको समझ आ जाए कि माइंड को कैसे और कहाँ यूज करना है। इन सब चीज़ों के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपका, जहाँ आपको कस्टम मेड एफर्मेशन चाहिए, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, आप मैसेज छोड़िए। और अगर आपको हमारी जे 50 ध्यान विद्या मन और ध्यान हर समस्या का समाधान बुक चाहिए, तो भी आप वॉइस या रिटन मैसेज छोड़िए। द मीन टाइम बी ब्लेस्ड। थैंक यू।